मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। आज झारखंड के इस वीर भूमि पर धरती आवा के इस भूमि पर और झारखंड के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारे राज्य में आए हुए आज इस महत्वपूर्ण दिन में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं और समय भी बहुत संक्षिप्त है, प्रधानमंत्री जी को आगे भी जाना है और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, संक्षिप्त में बातों को रखना चाहूंगा और चूंकि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और मैं भी उसी समाज से भी आता हूं, मुझे गर्व है आदिवासी होने का और आज आपने पूरे देश को आज इस कार्यक्रम से जोड़ा है। निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा इस राज्य का ही नहीं पूरे देश के ही भगवान आदिवासियों के हैं और वैसे भी पूरा झारखंड वीरों की धरती रही है, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, फूलो जानो हो, तेलंगाना खड़िया हो और आपने इसकी एक झलक हमारे बिरसा म्यूजियम में देखा भी। और निश्चित रूप से आदिवासी समाज सदियों से अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा है, चाहे वो अंग्रेजों से हो, चाहे वो महाजनों से हो, आखिरी व्यक्ति तक फांसी में लटकने के लिए तैयार रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इतिहासकारों ने आज तक हम आदिवासियों को उचित जगह नहीं दिया। आज यहां से प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए विशेष योजना की घोषणा हुई है, वो हमारे समाज के सबसे अत्यंत पिछड़े आदिवासी हैं और निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए एक चुनौती है। अगर उस वो प्रिमिटिव नहीं बचा तो अगली बार निश्चित रूप से हम प्रिमिटिव प्राइस में आ जाएंगे। और बहुत विचित्र बात है, आज हम जहां चांद की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं, वहीं आज समाज के अंदर आदिवासी, प्रिमिटिव ट्राइब्स, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, स्वर्ण जाति, अत्यंत गरीब स्वर्ण जाति, इस तरीके के जो अंतर दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि आज के इस युग में भी इस अंतर को पढ़ जाना चाहिए था। मैं एक आदिवासी राज का नेतृत्व कर रहा हूं और आज जहां हम विकास के लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, मुझे लगा कि आज भी ये बात सिर्फ अखबारों में और कागजों में ही दिखती है, लेकिन हम लोगों ने यह प्रयास किया है
सरकार आपके द्वार के माध्यम से, सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। आप यहां आए और हमें बहुत और पूरी आशा है कि आज ये आदिवासी विकास के जो लक्ष्य हैं, इसको हम राज्यों में, चाहे झारखंड हो चाहे पूरा देश हो, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज इस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश को आपने जोड़ा है, और ये निश्चित रूप से आज का ये आपका जो संदेश होगा, ये आदिवासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो और झारखंड प्रदेश भी इसमें और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सके। प्रधानमंत्री जी, झारखंड कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण सोच, महत्वपूर्ण चीजों को लेकर आगे बढ़ा है, चाहे खनिज संपदा को लेकर हो, चाहे खिलाड़ियों के को लेकर हो, चाहे और किसी अन्य विषय को लेकर हो। प्रधानमंत्री जी, हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर आदिवासी जो जंगलों में बसते हैं, वो बड़े पैमाने पर विस्थापित का भी दंश झेलना पड़ता है। खनिज संपदाओं को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर आज से नहीं 100 सालों से इनका विस्थापन होता रहा है। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि इस क्षेत्र में भी बसने वाले जो लोग हैं, उनके प्रति भी कोई विशेष ऐसी कार्य योजना तैयार की जाए, जहां हमारे आदिवासी भाई अपने जल, जंगल, जमीन के साथ अपने आप को समग्र विकास के कड़ियों में जोड़ सके। हम और ज़्यादा विशेष नहीं करना चाहेंगे, आज आपको सुनने के लिए यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं और निश्चित रूप से आज उली हाथों में आज पहली बार आप आए हैं। हम लोग तो कई बार आ चुके हैं और इसी आशा उम्मीद के साथ कि कोई इस समाज को आगे मुख्यधारा की ओर जोड़ेगा, और आपने ये पहला प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।